बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम अपने किचन में लेकर आए आपके लिए बहुत ही छोटी सी और बहुत ख़ास रेसिपी। तो मेरी न्यू फ्रेंड मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, साथ से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। तो ये देखिए, मेरा गला 2-3 दिन से इतना ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से मेरी वीडियो कुछ थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है। या तो तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, बुखार भी है और गला भी बिल्कुल ख़राब है। तो यहाँ हमने लिया है मटन मगज़ अपने, और मटन मगज़ बिल्कुल छोटा सा ही होता है। तो इसको आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं नहीं जाना, आज की रेसिपी बहुत खास है आपके लिए। तो बस इसको अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मगज़ हमने अच्छे से धो भी लिया है। तो ये देखिए, तो इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये मगज़ के साथ हमने लिया टमाटर 2 अदद, दरमियान और 2 अदद हरी मिर्च बिल्कुल चॉप हुआ हमने लिया, जब ऐसा नहीं बिल्कुल लाइट हाइट सी हमें इसमें चीज़ें चाहिए होंगी। तो यहाँ हमने ली प्याज 2 अदद, दरमियान, और यहाँ हमने गार्निश के लिए लिया हरा धनिया जो हमें चाहिए हो। तो ये देखिए, यहाँ हमने सॉस पैन रखा और उसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद फ्लेम को भी ऑन कर लिया है। तो बस अब हम इसमें लेते हैं 1 टेबल स्पून लिए हमने हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, तो बस ये काफ़ी रहेगा क्योंकि हमारा मगज़ भी बहुत छोटा सा है, मटन मगज़ तो होते ही छोटा सा है। तो बस ये हल्दी पाउडर काफ़ी रहेगा। तो अब हमने ले लेते हैं मटन मगज़, और ये हल्दी पाउडर के पानी में हम ऐड कर रहे हैं। तो इसे अभी हमें कुछ देर के लिए पकाना है, हल्दी वाले हल्दी डले पानी में। तो बस कुछ देर के लिए पकता है ये। अच्छा, बस इस चीज़ का ख्याल रहे कि ये मगज़ इसमें जो है पानी में टूटे नहीं, कोशिश ही कीजिएगा, इसको इसी तरह से पकने देना है। बिल्कुल आहिस्तगी से मैं इसको पलट रही हूँ, ये देखिए। तो ये अब थोड़ी सी देर हम इधर से पकने देंगे, ये देखिए। तो अभी कुछ देर के लिए हम इसको ढक देते हैं, कुछ ही देर हमें यहाँ से भी इसको पकने देना है। तो अब हम चेक करते हैं, तो ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। तो इसको बिल्कुल आहिस्तगी से अब अलग से प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी रंगत लग रही है मटन मगज़ की। बस ये इसी तरह से हमें दोनों साइड से अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ अब लेते हैं हम सॉस पैन में ऑयल ले लेते हैं अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो बहरहाल मैंने ये थोड़ा सा ऑयल लिया, और यहाँ इसमें गर्म मसाला, गर्म ऑयल में गर्म मसाला, और उसके बाद हमें लेनी है ये प्याज जी, बिल्कुल हमने बारीकी से कट करी, और ये हम ले रहे हैं इसमें। तो बस अभी अच्छा, प्याज को इतना ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे और इतनी ज़्यादा हमें कच्ची भी नहीं रखनी है, बस बिल्कुल नॉर्मल ही रखनी है। तो
प्याज बस कुछ देर के लिए हमें इस तरह से चलाते रहने ताकि एक तरफ से प्याज जल ना जाए। तो ये हम चेक करते हैं, तो एक तरफ से प्याज थोड़ी सी ब्राउन सी हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे तो बाकी और बिल्कुल सही है। तो बस इसी वक्त हम इसमें मगज़ भी ले लेते हैं, मटर मगज़, और ये टमाटर कटिंग करे हमने जो रखे हुए थे आपको दिखाया, ये भी हम इसी वक्त ले लेते हैं। दो अदद हरी मिर्च, अदरक लहसुन चॉप हुआ हुआ, ये भी हम इसी वक्त लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ बिल्कुल हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और बिल्कुल इसी तरह से हमने कुटी मिर्च और नमक। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स की मैंने जो है क्वांटिटी बिल्कुल लाइट लाइट सी ली है आपको जो मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो हरी मिर्च का भी टेस्ट अपनी जगह होता है, कुटी मिर्च का अपनी जगह होता है, और अभी हर मिर्च का टेस्ट अलग अलग होता था। हमें इतना चटपटा, इतना मज़ेदार सा मगज रेडी होगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में इसको हम बनाएंगे आज। ये देखिए, तो अब हम चेक कर रहे हैं, और अब मगज को आहिस्तगी से हम मसाले में, जैसे हम कीमा फ्राई करते हैं बस इसी तरह से, या अंडे को हम ऑमलेट तैयार करते हैं बस इसी तरह से हमें बनाना है। सेम इसी ही, ऐसे ही लगता है मगज, बस कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है मगज बनाते हुए, बाकी तो बिल्कुल बेहतरीन और परफेक्ट ढाबा स्टाइल में आज हमने बनाया है मगज को। तो अपनी वीडियो, ये हमारी रेसिपी आप अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करा करें। मेरी वीडियो बनाई हुई बहुत अच्छी होती है, मेरी न्यू फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस अभी इसका हम आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे, तो इसकी भुनाई थोड़ी अच्छी सी करनी पड़ती है, क्योंकि तमाम मसाले जो होते हैं हमने बिल्कुल बारीक चॉप किए हैं, तो कुछ देर के लिए इसको ढकते हैं हम। तो अब हमने चेक किया, इतनी मज़ेदार सी यकीन जानिए खुशबू आ रही है कि ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे टाइप का लग रहा है जैसे हमने ऑमलेट तैयार किया। तो तमाम पानी टमाटर से भी, टमाटर का पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, और बस भुनाई इसकी हम करते रहेंगे थोड़ी सी देर। आपको मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से दिखाती हूँ, और हर बात को अच्छे से दिखाती हूँ कि किस वक्त क्या चीज़ ऐड करना पड़ती है और किस वक्त क्या। तो ये देखिए, तो यहाँ मैं ले रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी लाइट सी काली मिर्च, जिससे टेस्ट बहुत मज़ेदार मगज़ में आएगा, बहुत टेस्टी सा काली मिर्च से टेस्ट आता है। तो बस ये हमें इसी तरह से थोड़ी सी देर भूनते रहना है। तो बस इसको ढक देते हैं, फाइनल तौर पे बिल्कुल हो गया रेडी। तो इसका फाइनल लुक अभी आपको दिखाते हैं हम। तो ये अभी हम फाइनल लुक दिखा रहे हैं आपको, प्लेट से सर्व कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी हो गया है मगज। और ये देखिए, मटन मगज हो गया रेडी। तो मेरी न्यू फ्रेंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। तो यहाँ हमने इसका हरी धनिया से गार्निश की, कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है ना। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।